नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं आप सबकी उम्र जानता हूं, मैं बता सकता हूं कि आप सब कितने साल के हो। दोस्तों वैसे तो लड़कियां अपनी उम्र किसी को नहीं बताती, लेकिन मैं आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी की भी उम्र जान सकते हैं, चाहे वो फिर लड़का हो या फिर लड़की। और दोस्तों ये ट्रिक भी बिल्कुल सिंपल है, 6 स्टेप आपको पूरे करने हैं और 7वें स्टेप में उसकी उम्र आपके सामने। दोस्तों बहुत सारे लोग हाथ देखकर आपका भविष्य बताते हैं, लेकिन मैं आपके माइंड को पढ़कर आपकी उम्र बता दूंगा और खुद आप भी किसी की भी उम्र जान सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक एग्जाम्पल भी करके दिखाऊंगा और आप इस ट्रिक से किसी की भी उम्र निकालें वो बिल्कुल फिट आएगी। तो इस वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखिए। यदि आप भी सीखना चाहते हैं और किसी की भी उम्र निकालना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आपने क्या करना है, 1 से 9 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन 9 नंबरों से कोई भी एक नंबर आपने अपने मन में सोच लेना है। वो आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 9 लीजिए, कुछ भी। ये हो गया पहला स्टेप। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की ओर। अब आपने जो भी नंबर सोचा उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की ओर। अब आपने क्या करना है कि आपका जो भी नंबर आया उसमें 5 को ऐड कीजिए, प्लस कीजिए। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप की ओर। अब आपका जो भी नंबर आया आप उस नंबर को 50 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब आता है अगला स्टेप, फिफ्थ स्टेप, जो सबसे मेन है और जो आपको ध्यान से सुनना भी है और लास्ट में एग्जाम्पल देखना भी है। वो क्या है कि आपके फोर्थ स्टेप का जो भी टोटल आया उसमें आपने 1770 यानी 1770 आपने ऐड करना है। और यदि आप इस ट्रिक को 2020 के अंदर निकाल रहे हैं तब आपने ये ऐड करना है 1770, लेकिन यदि आप इस ट्रिक को 2020 के बाद निकालेंगे तब आपको क्या ऐड करना है, चलिए वो भी बताते हैं। आप जितने भी साल यानी कि 2020 के बाद इसमें करना चाहें, जैसे 2021 में यदि आप इस ट्रिक को अपनाते हैं तब आपने 1770 में 1 ऐड कर देना है, यानी वहां पर 1771 को ऐड करना है। लेकिन यदि आप 2022 में करते हैं तब आपने 1770 में 2 ऐड कर देने हैं, यानी जितने आप ईयर लेट जाएंगे। 2030 में यदि इस ट्रिक को ट्राई करेंगे तब आपने 1770 में 10 ऐड करने हैं, यानी कि वहां पर जोड़ करना है 1780 का। अब क्योंकि हम 2020 में कर रहे हैं तब हमने इसमें 1770 ऐड करने हैं। अब बात आती है स्टेप 6 की। तो जो भी आपके पास पिछले 5 स्टेप का टोटल आया आपने उसमें से जो भी आपका बर्थ ईयर है उसको माइनस कर देना है, यानी आपका बर्थ ईयर 1990 है तो 1990 को माइनस कर दे, 1980 है उसको माइनस कर दे, 2000 है उसको माइनस कर दे, यानी जो भी आपका बर्थ ईयर है आप उसको उस टोटल से माइनस कर दें। अब बात आती है लास्ट स्टेप की कि आपको पता कैसे चलेगा। अब आपके पास 3 नंबर आए, 3 नंबर की संख्या आई, उसमें से जो पहला नंबर है वो तो वो नंबर है दोस्तों जो आपने सोचा था अपने मन में। देखो मैंने बता दिया ना कि आपने क्या सोचा था। जो उसके लास्ट के 2 नंबर हैं वो नंबर है आपकी उम्र की, आप इतने साल के हैं। तो दोस्तों
मैंने बता दिया ना आपको कि आपकी उम्र कितनी है, और इस ट्रिक से आप किसी की भी उम्र निकाल सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आपसे कितनी दूर रहता हो। बस सिंपल 6 स्टेप आप पूरे करो और 7वें स्टेप में उसकी उम्र आपके सामने। तो चलिए अब आपको बताते हैं विद एग्जांपल करके कि एग्जैक्ट आप कैसे निकालें। तो पहला स्टेप, जैसे हम सोच लेते हैं कि एक व्यक्ति है, उसकी जो उम्र आज की डेट में है वो 40 ईयर है, यानी कि उसका जो बर्थ हुआ था वो 1980 के साल में हुआ था। अब उसमें उसने सोचना है 1 से 9 तक कोई भी अक्षर, जैसे वो सोच लेता है 1 को ही, तो 1 उसका पहला स्टेप हुआ। अब सेकंड स्टेप में उस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 आंसर आ गया। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की ओर। थर्ड स्टेप में जो उसका सेकंड स्टेप का आंसर था 2, उसमें 5 ऐड करना है, प्लस करना है, तो 2 में 5 को ऐड किया, 2 में 5 को ऐड किया, तो आंसर आया थर्ड स्टेप का 7। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप की ओर। अब जो थर्ड स्टेप का टोटल है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 50 से। हमारा थर्ड स्टेप का टोटल आया था 7, हमने मल्टीप्लाई किया 50 से, तो आंसर आया 350। अब 350, अब चलते हैं 5 स्टेप की ओर। 350 में आपने ऐड करना है, यदि हम इसको हम इस कैलकुलेशन को कर रहे हैं 2020 के अंदर, तब हमने इसमें ऐड किया 1770, तब आया कितना, तो हमारा आया 2120, यानी 2120। अब उसमें से हमने निकालना है बर्थ ईयर को, यानी हमने निकाल दिया 1980 को, तो हमारा आया कितना, हमारा आया 140। पहला नंबर तो वो है जो हमने सोचा था या उस व्यक्ति ने सोचा था जो अभी ये कैलकुलेशन कर रहा है, और जो लास्ट के 2 अक्षर यानी कि 40 हैं, वो उसकी उम्र है कि वो 40 ईयर का है। तो देखा दोस्तों, है ना मजेदार ट्रिक, आप भी इस ट्रिक से किसी की भी उम्र जान सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपका सही आया तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में करके कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करिए ताकि सभी अपनी उम्र जान सकें या दूसरों की निकाल कर देख सके और एक ट्रिक उनके माइंड में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही मजेदार नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वहां भी हम आपको एक मजेदार ट्रिक बताएंगे बर्थडे निकालने की। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।